में आप सबका स्वागत। आज हम फिर लखनऊ की जनता के बीच में हैं, उनके मन की बात जानेंगे। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के 7 चरण के चुनाव पूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी 10 मार्च को इसका रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले हम लखनऊ की जनता से जानेंगे आखिर उनको किस तरह की सरकार चाहिए और क्यों, क्या है उनके मन में, उनमें दिल की बात जानने की पूरी कोशिश करेंगे। एजुकेशन को लेकर अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो बढ़िया ही चल रहा है। अब इससे ज्यादा और अच्छा क्या कर सकते हैं? अब इससे ज्यादा ऑनलाइन पेपर तो कर नहीं सकते, वो हमारे फ्यूचर के लिए खराब है। अभी जो चल रहा है सही चल रहा है, अभी नंबर खराब आएंगे आगे चल के ठीक है। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई शुरू करवा सकते हैं, अभी कुछ स्कूल्स में नहीं है, आगे और स्कूल्स में हो सकती है, और बेटर कर सकते हैं एक्सपीरियंस हम लोग के लिए। अभी तक आप स्कूल में जा रहे थे, स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं था, मोबाइल से दूर रखने के लिए आप सलाह दी जाती थी, टीचर बोलते मोबाइल मत रखिए। अब अचानक ऑनलाइन क्लासेस में आपको मोबाइल पर पसंद कर दिया है, तो ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे बड़ा फर्क है। ऑफलाइन में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर के साथ, ऑनलाइन में नहीं कर सकते। ऑनलाइन आपके शरीर को असर करता है, आप हेल्थ इशू होते हैं, आपको आपकी आंखें खराब हो जाती है। मेरे को भी हुआ था हेल्थ इशू, मेरी भी आंखें खराब हुई थी। अभी ऑफलाइन में क्या है, हमें ज्यादा अच्छे समझ में आता है, हम पेपर बिना पढ़े भी जाएंगे ना तो भी पास हो जाएंगे। ऑनलाइन में पढ़ भी रहे होंगे तो भी हम पास नहीं हो पाएंगे, चाहे जितना अच्छा स्कूल हो। मेरा नाम वैष्णवी शर्मा है। देखिए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मतलब मेरे स्कूल में तो इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाता कि आप मीट पे करो कि जूम पे करो। तो देखिए, सबका इम्पैक्ट पड़ा है, कोविड से सब पे पड़ा है, सबकी डेली लाइफ भी खराब हुई है। कि जैसे हम लोग सुबह उठते थे तो स्कूल जाते थे, फिर जाके पढ़ते थे, तो फिर समझ में आता था, एक प्रेशर होता था कि काम असाइनमेंट देने हैं। ऑनलाइन में ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑनलाइन तो जरूर इम्पैक्ट किया है। यहाँ पे मैं इतना कहूँगी कि थोड़ा सा ये लोग अट्रैक्शन शुरू कर दें, जैसे इंटरेक्शन शुरू कर दें कि एग्जाम तो अच्छे से खैर ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो प्लीज़ एग्जाम भी ऑनलाइन दो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन एग्जाम टोटली अनफेयर हो जाता है। ऑफलाइन एग्जाम जरूर, लेकिन हाँ, ऑफलाइन एग्जाम में अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता चलता है कि आप 2 साल बाद कहाँ पे हो इससे, ठीक है, आप हो कहाँ पे। फिर आप 10th में, हमारा तो 9th चलिए, लेकिन जिनका बोर्ड है उनको तो ज्यादा दिक्कत पड़ी होगी ना, कि आगे जाके उनके करियर पे ये आएगा कि ये कोविड बैच के बच्चे थे। अगर आपके अपने तजुर्बे की हम बात करें तो 2022 में कैसी सरकार और क्यों बननी चाहिए, क्या उम्मीद आप रखते हैं सरकार से? आज का विकास हो और कोई बात नहीं है, जो भी सरकार आए आज का विकास करे, लेकिन नहीं, अब बच्चों के कैसा विकास चाहते हैं आप, किस तरीके का विकास? हर तरह के, जैसा भी, चाहे इंडस्ट्रियल समझ लीजिए, चाहे आप समझ लीजिए हम एग्रीकल्चर में समझ लीजिए, हर चीज़ का विकास होना चाहिए। विकास के बारे में अगर बात करें तो क्या वर्तमान की सरकार विकास को लेकर ठीक है या नहीं? चिंतित है। तो आप चाहते हैं कि ये सरकार द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2022 की अगर बात करें तो आप अब आने वाली सरकार को कैसी सरकार चाहते हैं, वो किस काम को लेकर चाहते हैं? एक ऐसी सरकार जो महिलाओं के लिए काम करे, जैसा कि अभी जो वर्तमान की हमारी सरकार है उसने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन आने वाली सरकार से एक और मांग है मेरी, जो ये है कि वो सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ करे, जैसे कि पुरानी पेंशन वाली बातें आजकल चल रही हैं उसे फिर से लागू करें। मेरी सबसे बड़ी मांग जो है, कोई भी सरकार है उससे यही है कि वो सरकारी कर्मचारियों के हित के लिए काम करे। सरकार ये पूरी दुनिया की सरकार है, पूरी दुनिया चाहती है पूरी यूपी में एक अच्छा प्रशासन आए, अच्छी दुनिया आए, अच्छा सिस्टम बने। अच्छे प्रशासन अच्छे सिस्टम की बात करें तो कौन है अच्छा प्रशासन? योगी जी। क्यों? क्यों आप खुद सोच सकते हैं, आप अपने मन से पूछिए, अपने मन से पूछिए ना आप। ये अगली जी के राज में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। बाकी योगी जी के राज में तो सब कुछ, क्या लग रहा है कि फॉरेन कंट्री में खड़े हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है। क्या अभी हम वहाँ से आ रहे हो अयोध्या जी से, वाराणसी गए, वहाँ गए, सब जगह गए, बहुत अच्छा इंतजाम, बहुत अच्छा सिस्टम। आज से पहले हमने सुना ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ है। ये हिंदुस्तान का कल्चर है, इसको आप सोने की प्लेट में खाना खिलाएंगे ना, सोने की प्लेट में, तो वो नहीं खाएगी, वो खुद रहा उसमें थाली में ही चाहिए, जो किसी में खुरच 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 के खाएगा। ये हकीकत है, आप इस बात को मानिए। ये हमारा सौभाग्य है समझ लो, ये योगी जी है, ये हमारा दुर्भाग्य समझ लो कि दूसरी कोई सरकार अब तक इस प्रदेश में राज कर पाई है। ऐसी होनी चाहिए यूपी में जो कि मंदिर और मस्जिद और रिलीजन के अलावा और भी चीज़ों पर फोकस करें। अब आप यहीं अपने पीछे देख लीजिए, यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से, रूल के हिसाब से किनारे पार्किंग नहीं होनी चाहिए, पर सरकारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, बीजेपी की झंडी वाली गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं।
जो गवर्नमेंट आएगी उसका झंडा लगाएगी, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, उनकी बकैती शुरू हो जाती है। तब जो गवर्नमेंट आएगी उसको, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? मैं तो ऑल ओवर लखनऊ की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कहीं भी आप चले जाइए, झंडा लगा के गुंडागर्दी करने वाली चीज़ें हर सरकार में होती हैं। ये ऐसा नहीं कि समाजवादी में होती है, भाजपा में होती है। वही आदमी झंडा बदल के गुंडागर्दी दूसरी सरकार में चालू कर देगा। तो गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो अपने लोगों को कंट्रोल करे पहले, उसके बाद फिर लोगों पे आए। आम आदमी को हर कोई परेशान कर रहा है, अपने आदमी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो गवर्नमेंट ऐसी आए, बेसिक चीज़ों पर फोकस करे, बाकी माइक्रो जो चीज़ें सही होंगी तो माइक्रो चीज़ें अपने आप ही बढ़िया हो जाएंगी। मेरा नाम कुलदीप पांडे है। 2022 में जब चुनाव के लगभग लास्ट स्टेज पर आप खड़े हैं, 2022 में आप किस तरह की सरकार चाहते हैं? हम अभी भी योगी जी का सशक्त शासन चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में योगी जी दोबारा आएंगे और इस प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम वगैरह खत्म होगा और भगवा फिर से लहराएगा। हम चाहते हैं कि बीजेपी वापस लौटे भगवे रंग के साथ में और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ताकि प्रदेश में क्राइम खत्म हो और हिंदुओं का विकास हो, यही आपको सबका साथ सबका विकास। जी मिश्रा, प्रदीप जी, अगर 2022 में आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं? जैसी अभी तक चल रही है कैसी करते हैं? अगर बात करें वर्तमान सरकार की, तो इस सरकार के क्या काम आपको अच्छे लगे? कौन से काम? डेवलपमेंट लाल तो कोई बुरे ही नहीं लगे। डेवलपमेंट क्या है? मेडिकल की फीस जैसे कम करने जा रहे हैं, जो बच्चे बाहर यूक्रेन में फंसे हुए हैं आज, वो कल को यहीं पढ़ेंगे, सस्ती पढ़ाई के लिए तो जा रहे हैं। ऐसी ही जैसी अभी सरकार है, और वो भी इसलिए कि आपको याद है जब लॉकडाउन हुआ था, कोटा से योगी ही सरकार थी जो सबसे पहले यूपी के बच्चों को लाई थी, है ना? तो बस जो बच्चों के लिए सोचे, जो सबके लिए सोचे, वही सरकार चाहिए। और इतने सालों में सबको पता है कि कौन सी सरकार कैसी काम कर रही है, बस तो फिर ठीक है, फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है, दिखता है सबको काम। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।